मारूफ रूहानी शख्सियत अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवीरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 976 में सालाना उर्स का दूसरा रोज तकरीबात में शिरकत के लिए जायरीन की जौक दर जौक आमद का सिलसिला जारी, चादर पोशी और फातह खानी, रूहानी इज्तमा भी मुनक़िद। अलामा राग़िब नईमी ने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी दा। उर्स दाता साहब पर महफिल समा का अहतमाम मियां मरगूब हमदानी के बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में गुलहाए अकीदत से आगाज, आसिफ संतु कवाल और दीगर की जानिब से मनकबत पेश की गई। वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह और डीजी मजहबी अमूर समेत जायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। उर्स दाता साहब पर जायरीन के लिए कयामो ताम का इंतजाम, वजीर औकाफ कहते हैं वसी लंगर और हजारों मन दूध की सबील के लिए फंड्स का कोई मसला नहीं, रोजाना लाखों अकीदतमंद हाजिरी के लिए आते हैं, सबके लिए वाफर इंतजामात। उर्स तकरीबात पर पंजाब फूड अथॉरिटी भी मुतहरिक, तकसीम के लिए लाया जाने वाला दूध और लंगर चेकिंग के बाद क्लियर करार दिया जाने लगा। उर्स दाता साहब पर आज मकामी तहसील जिलाई दफातर स्कूल और कॉलेजेस बंद, 3000 से ज्यादा पुलिस अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर, डॉल्फिन और पीरू का मुसलसल गश्त, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात, 4 मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद जायरीन को दाखिले की इजाजत, अफसरान और अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दाता दरबार पर जूतों के ठेकेदार की लूट मार, सरकारी नर्ख 10 रुपए की बजाय 50 और 100 रुपए की वसूली, जायरीन के एहतजाज पर हर धर्मी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अमन आमा की बेहतरी के लिए विफाक से मरबूत कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कानून शिकनों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई से अदाम की जानो माल का तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन अमान का जायजा इजलास में अहम फैसले, इजलास में वफाकी वज़ीर दाखला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज भी शरीक हुए। डेंगू के बढ़ते ढंग सूरत हाल दिन ब दिन संगीन, मजीद 15 लाहौरियों में वायरस का इंकशाफ, मर्ज में मुब्तला लाहौरियों की तादाद 447 हो गई, 77 मकामात से लार्वा बरामद, 14 सील मुकदमा दर्ज, 13 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर असगर जोया की म्यू हस्पताल आमद, डेंगू वार्ड में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। लाहौरिये होशियार, डेंगू के बाद इंफ्लुएंजा का धड़का, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का अलर्ट जारी, सरकारी हस्पतालों तिब्बी मराकज पर वैक्सीन अद्वियात और हिफाजती सामान का मुनासिब स्टॉक रखने की हिदायत। सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ की वैक्सीनेशन की हिदायत। अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ ज्वाइंट हेल्थ अलायंस की हड़ताल 10वें रोज भी जारी, सरकारी ओपीडीज में सन्नाटे, डॉक्टर और अमला गायब, लेबोरेटरीज में टेस्ट की सहूलत और मामूल के ऑपरेशन तक मुलतवी, इलाज मुआवजा दस्तियाब न होने पर मरीज और लवाहिकीन मायूस। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के करप्ट मुलाजमीन की अंधेर नगरी चौपट राज, करप्शन इख्तियार और ताल्लुकात के नाजायज इस्तेमाल पर ड्राइवर और नायब कासिद बरतरफ, मुतासरीन से हथियाए जाने वाले 70,000 की रकम भी बरामद कर ली। एमएओ कॉलेज इंतजामिया का दावा गलत, लेक्चरर मोहम्मद अफजल की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं जहरीली गोलियां खाने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, लेक्चरर अफजल हरासमेंट केस की इंक्वायरी में बेगुनाह साबित होने के बावजूद प्रिंसिपल की जानिब से क्लियर लेटर न मिलने पर दिल बर्दाश्त आते। पुलिस निजाम पर थाना शाही का गलबा, शहरियों को इंदराजी मुकदमात में मुश्किल, आईजी के हुक्म के बावजूद इंदराजी मुकदमा की 20 से ज्यादा दरख्वास्त नजरअंदाज, 8,000 केसेस कंप्लेन सेंटर से रजू के बाद दर्ज हो सके, एफआईआर में गफलत पर 20 एसडीपीओ की सरजनिश। चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जिलाई हुकूमत की तैयारियां, डिप्टी कमिश्नर असगर जोया का करबला गामे शाह के रूट का दौरा, जुलूस के रूट पर लाइटिंग और पैचवर्क का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात पर तहफुजात, पंजाब हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम, इलेक्शन से मुतालिक दफात शामिल करने और इंतखाबी तरीकेकार की वजाहत करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का साबिका दौर की साफ पानी कंपनियां खत्म करने का फैसला,
साउथ और नॉर्थ कंपनियां बंद करने के लिए समरी वजीर आला को इरसाल, कंपनी के तमाम मामलात पर आप पाक अथॉरिटी होल्ड करेगी। एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की शर्त के खिलाफ असातिज़ा ने कमर कस ली। 20 अक्टूबर को सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। NTS पास 16,000 असातिज़ा की बराह रास्त मुस्तकिली का मुतालबा, PVSC भेजने की मजम्मत। फासलाती तालीम की गैर मकबूलियत या मयार में कमी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिलों की शरह 52% घट गई। दाखिलों में गैर मामूली कमी पर रीजनल कैंपस का इजहार तशवीश। इंसानी हकूक की कारकुन आसमा जहांगीर की खिदमात पर दो रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकार। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मामून रशीद, जस्टिस जवाद हसन समेत वकला क्यादत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, बरतानिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंसानी हकूक की अलमबरदार मरहूमा आसमा जहांगीर को खराज अकीदत। जस्टिस गुलजार अहमद बोले, आसमा जहांगीर पाकिस्तानियों के लिए एक अजीम खातून थी, हर दौर में उनकी जरूरत रहेगी। जस्टिस मामून रशीद बोले, आसमा जहांगीर बतौर वकील, माँ और बेटी के एक मुकम्मल खातून, पिसे हुए तबकात अकलियतों के लिए आवाज बुलंद करने पर हमेशा याद रहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, आज भी हम पुरानी बातों पर लगे हुए हैं, कश्मीर पर नया कुछ नहीं किया जा रहा। आसमा जहांगीर आलमी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फारूक हैदर का खिताब। रेलवे हुकाम के दावे टाए टाए फिश, ट्रेनों का शेड्यूल ताहाल मुतासिर, कराची और क्वेटा से आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। अलावा इकबाल एक्सप्रेस 2:30, कराची एक्सप्रेस 2:15, अवामी 2 घंटे लेट, जाफर एक्सप्रेस की आमद में भी 2 घंटे ताखीर। एयरपोर्ट पर फजाई ट्रैफिक भी मुतासिर, आने और जाने वाली 13 परवाजें मुतासिर, 10 मनसूख और 3 ताखीर का शिकार। गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं तो मौलाना को इख्तदार नहीं मिलने वाला, मुजाकरात के दरवाजे बंद होना जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले, उलमा ने जब भी तहरीक चलाई तो मार्शल ला लगा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मसले हल नहीं होंगे। हमजा शहबाज से आज कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन, लीगी रहनुमा से मुलाकात के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर अहले खाना की आमद। इंतजामिया की गुंडागर्दी के खिलाफ न्यू ओरिगा सेंटर के ताजरों ने कारोबार बंद कर दिया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर एहतजाज, इंतजामी गुंडागर्दी के खिलाफ नारे, एहतजाज के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब हुकूमत नया DG रेस्क्यू तैनात करने में नाकाम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात नजरअंदाज। रिजवान नसीब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद सीट पर विराजमान, बगैर कॉन्ट्रैक्ट पास किए जाने वाले ऑर्डर्स पर सवालिया निशान लग गए। CCPO से फिलपाइनी पुलिस अताशी की मुलाकात, दहशतगर्दी और मुनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी तामुन पर तबादला ख्याल। फिलपाइनी अताशी का सेफ सिटी तर्ज पर इदारे बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मिस्टर मालवन की सेफ सिटी आमद पर ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर की तारीफ। ई चलानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी सराहा, हुकाम ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान को सवीनियर पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का हफ्तावार जायजा इजलास, तारकीन वतन पाकिस्तानियों की 12 करोड़ 13 लाख रुपए मालियत की 155 किनाल अराजी वागुजार करवाने पर इजहार इत्मीनान। फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन कायम किया। मॉडल टाउन में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी, एम ब्लॉक पार्क में 800 पौधों की शजरकारी, मुहिम में ग्रीन और PHA ने हिस्सा लिया। लगाए जाने वाले पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी PHA निभाएगी। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में यंग फिजिक्स टूर्नामेंट, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के इंटरमीडिएट तलबा तालिबात की शिरकत। शरीक तलबा ने इल्मी तिब्बियात पर तैयार करदा साइंस प्रेजेंटेशन भी पेश की। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए पिंक अक्टूबर का एहतमाम, शालामार हस्पताल में मुनक़िदा आगाही वॉक में डॉक्टर्स और तलबा तालिबात और खातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। माहिरीन का खवातीन पर साल में एक बार मेमोग्राफी पर जोर। महकमा सियाहत और गौथम के इश्तराक से इंटरनेशनल शेफ डे पर वॉक,
सेक्रेटरी सियाहत नदीम महबूब, एमडी सियाहत तनवीर जब्बार, डायरेक्टर कोथम जहीर अहमद और शाहिद कादिर समेत दीगर शरीक। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, बैक इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हसन अली की टीम में शिरकत के इम्कान महदूम, डॉक्टर्स का कौमी खिलाड़ी को मजीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा। बांग्लादेश अंडर 16 विमेन क्रिकेट टीम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में बांग्लादेशी वफ्द की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में शिरकत, CCPO बशीर अहमद नासिर ने मेहमान टीम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। बांग्लादेश की अंडर 16 विमेन टीम का दौरा है पाकिस्तान, बांग्लादेशी सिक्योरिटी वफ्द का सेफ सिटी अथॉरिटी कजाफी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी वफ्द अपनी रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पेश करेगा।